तो देखो मुन्ना, अगर वीडियो ओपन कर लिया तो समस्त संसार के देवी देवता भूत चुड़ैल और मेरी तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खासकर मेरे सगे संबंधी मित्र यार दोस्त जो मुझसे बहुत ज्यादा लगाव करते हैं इस वीडियो को देखने आए हैं और लाइक करके चलते बनेंगे, तो उन्हें मैं बता दूं भाई अगर वो टाइम कम रह जाता है वीडियो को ना तो मुझे अच्छा लगता और ना ही यूट्यूब के एल्गोरिथम को। मुझे पता है कि आप सबको बहुत ज्यादा लगाव है जो लाइक करने आते हैं, लेकिन भाई अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो YouTube उसे आगे रिकमेंड नहीं करता, जिससे मेरा ही नुकसान होगा। सो प्लीज अगर वीडियो देखें तो पूरी देखा करें। सो अब भैया आप भी अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो कानों में लीड लगा लो और वीडियो को बिल्कुल एंजॉय करना। अब देखो भैया, लीड लगाने मतलब हेडफोन लगाने की बात से मत सोचना हम गाली देंगे, गाली बिल्कुल नहीं देंगे इस वीडियो में मेरे भाई। और लीड लगाने के लिए जरूरी है यानी कि हेडफोन्स लगाना, यार देसी भाषा में ना लीड निकल रहा है मुझसे भाई। हेडफोन्स लगाने के लिए जरूरी है क्योंकि जो आपको फर्क समझ में आएगा ना, फोन के स्पीकर से फर्क समझ में नहीं आने वाला, हेडफोन से ही आपको चीजों में अंतर समझ में आएगा। अब बहुत सारे नए यूट्यूबर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई जो वॉइस क्वालिटी हम सुधार सकते हैं उसके लिए हमें चाहिए माइक, और जो यूट्यूबर्स के लिए जो सबसे ज्यादा रिकमेंड करे जाने वाला माइक है वो है बोया M1, जो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, अब ये वाला माइक सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है सभी यूट्यूबर्स को, क्योंकि कम बजट में, या मतलब इतना कम बजट भी नहीं होता, 700-800 रुपए के आसपास का माइक है। मैं भूल गया, काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, काफी पहले खरीदा था और अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ एज यूजुअल, जैसे आपको पता है। मैं इसके रेट भूल गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसके रेट चेक कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का बजट नहीं होता, सो आज हम देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर अपने फोन का जो माइक होता है उस पर हम रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस वो बेस्ट क्वालिटी अपनी वॉइस की दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आई थिंक, मुझे लगता है कि इस तरीके की वीडियो नहीं होगी, मतलब अलग ही लेवल की वीडियो है ये, कि भाई मतलब बोया M1 माइक का कंपैरिजन करने जा रहा हूं मैं अपने फोन के माइक्रोफोन से। अब चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बकचोदी के। तो मेरे भाई ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अब सबसे पहले तो जो वीडियो की वॉइस होगी नीचे लिखा जाएगा वो होगी मेरे माइक की, बोया M1 माइक की बिना एडिट की हुई। फिर उसके बाद होगी फोन के माइक्रोफोन की वॉइस जो बिना एडिट की होगी, और उसके बाद हम उन्हीं वॉइस को एडिट करके दिखाएंगे कि एडिट करने के बाद उनकी क्वालिटी में क्या चेंजेस आते हैं। सो आई होप कि आपने हेडफोन्स लगा लिए होंगे और ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं ये है बोया M1 माइक की, जिसे मैंने एडिट नहीं किया है, ना कंप्यूटर से ना मोबाइल से, किसी तरीके की एडिटेड ऑडियो नहीं है। जैसी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो रॉ फॉर्म में है। सो गाइस, ये वाली जो वॉइस है ये बोया M1 माइक की है, जिसको मैंने एडिट किया है अपने कंप्यूटर से। किस तरीके से मैं एडिट करता हूँ अपनी ऑडियो को उसका मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो फिलहाल ये वॉइस आप सुन रहे हैं, जो ऑडियो सुन रहे हैं, ये एडिटेड है और बोया M1 माइक से रिकॉर्ड की गई है। सो भाई, जो ये वाली वॉइस आप सुन रहे हैं ये मेरे फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, यार मैंने इसको एडिट नहीं किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है, माइक हमारे बहुत ज्यादा पास होता है, फोन थोड़ी सी दूर है, तो मुझे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ रहा है, यही थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं तेज नहीं बोलूंगा सो मेरी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा लो रिकॉर्ड करेगा मेरा फोन, बस यही थोड़ा सा अंतर है। और ये जो वॉइस है ये बिल्कुल भी एडिट नहीं की गई है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में और फोन के माइक्रोफोन से एडिट की गई है। ये रहा मेरा पूरे का पूरा माइक बाहर निकाला हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो भाई ये वाली जो वॉइस है ये है मेरे फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की हुई, और मैंने इसको एडिट किया है अपने लैपटॉप से। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लैपटॉप से किस तरीके से मैं वीडियो और सॉरी ऑडियो एडिट करता हूं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले ही, और आप देख सकते हैं पूरे का पूरा माइक बाहर निकला हुआ है। और अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरा माइक लगा लूंगा, इतना अमीर नहीं हूं मेरे भाई, तो ये वाली वीडियो यानी कि ये वाली जो ऑडियो है ये फोन से ही रिकॉर्ड की गई है, और ये एडिट की है मैंने अपने लैपटॉप से। तो भैया ये थी छोटी सी वीडियो, और मैंने 4 ऑडियो आपको सुनवाई, बोया माइक से रिकॉर्ड करके रॉ फॉर्म में, उसको एडिट करके माइक्रोफोन से फोन के रिकॉर्ड करके रॉ फॉर्म में सुनवाई, फिर उसको एडिट करके सुनवाया। और लिटरली मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आने वाले हैं, बिल्कुल मैंने ऑडियो एडिट करके नहीं सुनी, बिल्कुल भी मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या अंतर आने वाला है। तो जिन लोगों ने भी कान में मतलब लीड लगाई हुई है ना, जिन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई आपको कितना अंतर लग रहा है।
मुझे पता है यार, बोया जो M1 ये माइक है यार, देखो ये एक स्पेशली इस चीज के लिए बनाया गया है, तो ऑडियो थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो बेटर देगा ही देगा, लेकिन एडिट करने के बाद दोनों में कितना अंतर आपको लगा कि क्या ये वॉइस क्वालिटी चल सकती है? शुरुआती दिनों में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार उनको बजट नहीं होता कि वो माइक वगैरह ना लें। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि एक माइक आता है 150 रुपए का, जिसकी वॉइस क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, वो लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी वॉइस क्वालिटी देता है, और उसको यूज करके देखा हुआ है, लेकिन फिलहाल मेरे पास वो नहीं है। जल्दी ही उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप उसके और बोया M1 माइक के कंपेरिजन में भी वीडियो चाहते हैं क्या। सो अब बताओ कि वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कितना अंतर लगा, और ये भी बताओ कि क्या बिना माइक के हम शुरुआत कर सकते हैं अपने यूट्यूब पर या नहीं। जो बहुत सारे नए यूट्यूबर होते हैं उनका मोटिवेशन बना रहे, और बताना, मुझे तो लगता है कि हम बिना माइक के भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस जो है मेरी वो बिना माइक के भी मैंने डाली है। सो, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं, गलती से यूट्यूब ने आपके सामने ये वीडियो लाके पटक दी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।